दोस्तों, कंट्रोवर्सी से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज के अफेयर्स, दो शादियां और डाइवोर्स आम बात है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर हिमेश रेशमिया की वाइफ के बारे में। अगर आप भी करते हैं हिमेश के सॉन्ग्स को पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिमेश का जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें बॉलीवुड में HR के नाम से भी जाना जाता है। हिमेश ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से की। इनके पिता विपिन रेशमिया एक म्यूजिक डायरेक्टर और मां मधु रेशमिया हैं। हिमेश ने साल 1998 में अपना पहला सॉन्ग बंधन गाया। इसके अलावा हिमेश ने साल 2007 में बॉलीवुड में फिल्म आपका सुरूर से डेब्यू किया और फिर उन्होंने बॉलीवुड को दी एक्सपोज, कर्ज, हैप्पी हर्डी एंड हीर जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स दी। आपको बता दें, हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की और लगभग 8 साल बाद इनकी मुलाकात सोनिया कपूर से हुई, जो कि एक एक्ट्रेस हैं जिनसे एक नज़र में ही प्यार कर बैठे। उस समय सोनिया पिया का घर, कुसुम और कैसा ये प्यार है जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर रही थी। तभी इसी दौरान दोनों की रोज होने वाली मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे का बेहद खास दोस्त बना दिया। इसके बाद हिमेश और सोनिया के अफेयर की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होने लगी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि सोनिया हर समय हिमेश के साथ नजर आने लगी। हिमेश ने अपनी पहली वाइफ कोमल से साल 1995 में शादी की थी, लेकिन फिर आपसी झगड़ों की वजह से दोनों का साल 2017 में डाइवोर्स हो गया। फिर खबरें आई कि हिमेश सोनिया के साथ लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की। कहा जाता है कि सोनिया का हिमेश की फैमिली से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा। वहीं उनकी फैमिली भी सोनिया को काफ़ी पसंद करती थी। आखिरकार दुनिया की चोरी से 11 मई को 2018 में दोनों ने शादी कर ली और अब इस शादी से दोनों खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको हिमेश की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।